जी सर, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? डॉक्टर रघुवंशी से मेरी अपॉइंटमेंट है। जी हाँ, मेरे साथ आइए। आई एम सॉरी, ये नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, क्या और कोई रास्ता नहीं है? अब बस भगवान पे भरोसा रखिए, वही कुछ कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, ओटी में जो ऑपरेशन चल रहा था उसमें बच्चा सेफ तो है, पर उसकी माँ की कंडीशन क्रिटिकल है। आपको डॉक्टर जयसवाल ओटी में बुला रहे हैं। एक्सक्यूज मी। इधर विवेक बरन। विवेक कहाँ जाता रहा? बस घर खातिर कुछ सामान लेवे के रहे, तब बाजार जाता नहीं। हमनी के भी बाजारे जाते नहीं जा, चलो साथे चल जाओ। विवेक, और सब ठीक बा ना? और विवेक, नैना के रिपोर्ट का आयल बा? अब का बताई, रिपोर्ट तो ठीक ना आयल है। चिंता मत करो विवेक, छठी मैया के कृपा से सब ठीक हो जाए, और ई बार वर्षा भी छठ करिए। रिपोर्ट का आयल बा विवेक? नैना, टेंशन मत ला, नसीब में जो लिखल बा वो होके रही। मायके गैला के बाद घर में छठ भइल नइखे, तू ए बेरी छठ कर। छठी माई सबके सुनेली, तहरो सुनिहे, सब ठीक हो जाए। हेलो, दिस इज डॉक्टर रघुवंशी। क्या मेरी बात मिस्टर विवेक से हो रही है? जी डॉक्टर साहब। उस दिन ओटी में जो ऑपरेशन चल रही थी उसके बारे में आपको एक जानकारी देनी है, और हमें आपकी सहायता की जरूरत है। मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? बहुत दुख की बात है कि उस दिन ऑपरेशन के दौरान जिनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी वो नहीं बच पाई। बच्चा सेफ है पर थोड़ा कमजोर है, उसका देख रेख करने वाला कोई नहीं है। उसके फादर की डेथ कुछ दिन पहले एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी। मिस्टर विवेक, क्या आप उसे अडॉप्ट करना चाहेंगे? जी डॉक्टर साहब, ये मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। ठीक है मिस्टर विवेक, आप हॉस्पिटल आके पेपर वर्क कर लीजिए, हम बच्चे को एक महीने तक अपने ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उसके बाद आप बच्चे को ले जा सकते हैं। आपका ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमार, आईनी सगड़ों से मैया हिम्मत हार।
दुखवा मैया मन हर साई पड़ खै चढ़ाई मैया अर्जी लगाई कटी हाँ दुखवा मैया।